नमस्कार दोस्तों, आज हम विधि लिंग की वाक्य रचना समझने वाले हैं। इस वीडियो में विधि लिंग की वाक्य रचना कैसे करते हैं, कब करते हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले। वैसे हमने लकारों के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, आप लकार की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। अभी यहाँ देखिए, चाहिए अर्थ विधि लिंग का मीनिंग होता है चाहिए। जैसे देखिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हंसना चाहिए, इस तरह की चाहिए अर्थ में हम विधि लिंग लकार यूज करते हैं। तो सबसे पहले उसका जो नियम है, ये जो नियम है मैंने हर वीडियो में समझाया है, फिर भी यहाँ मैं वापस समझा देता हूँ। सिंपल नियम है तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष होते हैं, हर लकार में तीन पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष पठेत, पठिताम, पठेयु, मध्यम पुरुष पठे है, पठेतम, पठेत, और उत्तम पुरुष पठेयम, पठेव, पठेम, ये तो आपको पता ही होगा। तो अभी करना क्या है, ये जो तीन पुरुष है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम पुरुष होता है वो हमेशा नाम सर्वनाम के लिए यूज होता है, नाउन या कोई भी प्रोनाउन। अभी त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, अभी ये भी सर्वनाम ही है, मगर जब त्वम, युवाम, यूयम रहेंगे तब मध्यम पुरुष ही यूज करना है। मध्यम पुरुष मतलब पठे है, पठेतम, पठेतम, मतलब किसी भी लकार का मध्यम पुरुष। उसके बाद अहम, आवाम, वयम, जब अहम, आवाम, वयम रहते तब आपको उत्तम पुरुष यूज करना है। विधिलिंग हो चाहे कोई भी लकार हो, आपको उत्तम पुरुष ही यूज करना है। और मध्यम पुरुष कब यूज करना है, जब त्वम, युवाम, यूयम, कोई भी लकार क्यों ना हो। अभी हम विधिलिंग देख रहे तो हम विधिलिंग की सेंटेंस समझ लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूं, उसे पढ़ना चाहिए, तो देखिए जब भी चाहिए अर्थ होता है तब समझ लेना है आपको विधि लिंग यूज करना है, ठीक है। तो अभी पढ़ना चाहिए, अभी पूरा एक क्रियापद है, पढ़ना चाहिए, तो अभी उसे के लिए क्या यूज होता है, सह, ठीक है। अभी जब हम विधि लिंग यूज करते हैं, जब चाहिए अर्थ होता है तो वह का उसे हो जाता है, ठीक है, या मैं का मुझे हो जाता है, तो मतलब तू का तुझे हो जाता है, ऐसे चेंज हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है उस पर। तो सह, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है जब अनुवाद करते हैं तब, अरे उसी के लिए क्या है, ऐसी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि उसे मतलब सह। तो सह और पढ़ना चाहिए, अभी सह देखिए सर्वनाम है, मतलब कोई भी नाउन क्यों ना हो आपको वहा प्रथम पुरुष यूज करना है। अभी सह एक वचन है इसलिए सह पठेत, इस तरह से बन जाता है सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। अभी हम यहाँ एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तुझे लिखना चाहिए, तो लिखना चाहिए क्रियापद है, चाहिए अर्थ है, अभी तुझे, तुझे के लिए है त्वम, ओके। अभी एक वचन है, एक ही है, तो त्वम, त्वम और लिखना चाहिए, अभी त्वम है, जब भी त्वम, युवाम, युवम रहता है तब मध्यम पुरुष यूज करना है। अभी त्वम एक वचन है इसलिए मध्यम पुरुष का हम एक वचन यूज करेंगे, तो त्वम लिखे है, ठीक है। यहाँ क्या है, पठे है, पठे है, लिखे है, बस ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस करते हैं, यहाँ देखिए मुझे गाना चाहिए, चाहिए अर्थ है इसलिए विधि लिंग यूज करेंगे, अभी मुझे, तो यहाँ गड़बड़ नहीं करना है कि मुझे तो क्या करना है। जैसे हम मैं कहते हैं लट लकार में, प्रेजेंट टेंस में, मैं जाता हूँ, मैं गाता हूँ, ऐसे होता है, उसे ही विधि लिंग में मुझे गाना चाहिए ऐसे होता है, तो मुझे मतलब अहम, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अहम। और गाना चाहिए तो गई, गायती, ऐसा क्रियापद है, तो उसे हम, अभी अहम है मतलब उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम, इसलिए हम उत्तम पुरुष का एक वचन लेंगे पठेयम का। अभी गाना चाहिए तो गाएयम, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अहम गाएयम। और एक उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे राम को हंसना चाहिए, तो हंसना चाहिए, चाहिए मीनिंग है, तो विधि लिंग हम लेने वाले हैं, मगर यहाँ को चिन्ह आया है, तो को की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर ऐसे होता है क्योंकि को मतलब कर्म, द्वितीय विभक्ति करेंगे, ठीक है, तो नहीं ऐसा नहीं है, अक्सर क्या होता है विधि लिंग के साथ जो कर्ता होता है उसमें को आता है, जैसे राम को हंसना चाहिए, राम को गाना चाहिए, राम को लिखना चाहिए, सीता को आना चाहिए, तो को आता है, इसका मतलब वो कर्म है ऐसा नहीं है, वो कर्ता ही है, ठीक है। हंसना चाहिए, किसे हंसना चाहिए, किसको हंसना चाहिए, हंसने की क्रिया कौन करने वाला है, तो राम, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो ये प्रथमा मतलब कर्ता ही रहेगा, तो इसमें प्रथमा विभक्ति होगी, तो राम, राम
और असना चाहिए। अभी नाउन है, नाम सर्वनाम, नाउन है प्रथम पुरुष यूज करेंगे, तो पठेत पठेताम पठेयु उसका एक क्वेश्चन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ राम एक ही है तो पठेत राम। अभी हंसना चाहिए, हस क्रियापद है तो राम हसेत, तो बन गया सेंटेंस। तो इसी तरह से आपको अलग अलग सेंटेंस बनाने हैं और बना सकते हैं। जैसे अभी हम एक बहुवचन का सेंटेंस लेते हैं, छात्रों को लिखना चाहिए, छात्र को लिखना चाहिए, चाहिए। अब यहां देखिए छात्रों को, तो को चिन्ह आया है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। लिखना चाहिए, किसे लिखना चाहिए, किनको लिखना चाहिए, तो छात्रों को, मतलब लिखने की क्रिया कौन करने वाले, छात्र, वो करता है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके ऊपर भी हमने काफी सारे वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट यूज कीजिए लर्न संस्कृत फ्रॉम बिगिनिंग, उसमें भी आपको हर विभक्ति की वीडियो मिल जाएंगी। तो छात्रों को, तो करता है, सब्जेक्ट है, प्रथमा विभक्ति होगी तो छात्राहा, प्रथमा बहुवचन क्या है, छात्राहा। और फिर लिखना चाहिए, अभी छात्रा नाउन है तो प्रथम पुरुष यूज करेंगे, अभी छात्रा बहुवचन इसलिए प्रथम पुरुष बहुवचन, तो पठेयु है तो लिखना के लिए लिखे युहु, छात्राहा लिखे युहु। तो इस तरह से छात्रों को लिखना चाहिए। तो आज हमने विधिलिंग समझ लिया है, और ऐसे आप बाकी भी सेंटेंस कर सकते हो, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे बाकी कुछ नहीं। जैसे वयम पठे म, हम सबको पढ़ना चाहिए, आवाम पठे व, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, अहम पठे यम, मुझे पढ़ना चाहिए, त्वम पठे हे, तुझे पढ़ना चाहिए, युवाम पठे तम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, यूयम पठे त, तुम सबको पढ़ना चाहिए, और बाकी तो है, ठीक है। कोई भी नाम लेते, जैसे राम पठे, राम को पढ़ना चाहिए, रामौ पठे ताम, दो राम को पढ़ना चाहिए, रामाहा पठे युहु, बहुत सारे रामों को पढ़ना चाहिए, छात्राहा पठे, बहुत सारे छात्रों को पढ़ना चाहिए। तो ऐसे उसके सभी के सेंटेंस बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।